नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं रफ़ी अरुण गौतम। अभी हाल में ही इंडियन आइडल के मंच पर आशा भोसले जी ने फिर एक ऐसा वक्तव्य दिया जिससे हम सब रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं। उनकी भावना को बहुत ठेस पहुंची है, और चूंकि वो इतनी बड़ी सिंगर हैं तो और इतने बड़े मंच पे ऐसी बात कहना, हिंदी में कहावत है कि अपने मियाँ मिट्टू, इसका मतलब ये होता है कि आपने आपकी खुद बड़ाई करना। तो आप देखिए, रफ़ी साहब ने कितने हजारों गीत गाए और इतने बेहतरीन गाने गाए और कितने स्टारों को सुपरस्टार बना दिया, शम्मी कपूर से लेकर आयुष खन्ना और जया मुखर्जी, दिलीप कुमार, कोई गिनती नहीं है। आप ऋषि कपूर तक एक लंबी परंपरा है स्टारों की, जो रफ़ी साहब ने उनको बड़ा स्टार बना दिया। लेकिन रफ़ी साहब ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैंने ये शम्मी कपूर साहब को मैंने बनाया, या दिलीप कुमार साहब को मैंने बनाया, विश्वजीत को मैंने बनाया, जितेंद्र को मैंने बनाया, धर्मेंद्र को मैंने बनाया। और जब भी रफ़ी साहब ने किसी भी स्टार के लिए गाना गाया तो रफ़ी साहब ने यही कहा कि सब ऊपर वाले की देन है, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि खुदा मुझे ये आवाज़ हमेशा बख्शे। और आशा भोसले जी की एक शुरू से एक टेंडेंसी रही है कि वो कुछ ना कुछ एक कंट्रोवर्शियल बात कह के अपने आप को लाइमलाइट में आना चाहती हैं, और इस बार भी यही हुआ। और आज को आप सबको पता होगा कि लगभग 10-12 साल पहले उन्होंने फिर एक वक्तव्य दिया था कि मेरे को सबसे ज़्यादा गाने गाने का जो मज़ा आता था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वो आर डी बर्मन से मिला। मतलब कि ओपी नैयर के साथ जो इतना लंबी परंपरा आशा भोसले जी की रही, जो उन्होंने उनको आशा भोसले बनाया, तो वो सब बेकार है, वो बेकार हो गया। और एक वक्तव्य इसी के साथ उन्होंने कहा था कि मेरे को सबसे अच्छा जो गाने का मज़ा आता था और जो इनके साथ मैंने बहुत अच्छे गाने गाए, वो किशोर कुमार है। तो इसका मतलब है रफ़ी साहब के साथ जो गाने गाए वो सब बेकार है। आपको किशोर कुमार के साथ अच्छे गाने गाए आपने, किशोर कुमार अच्छे हो गए और आर डी बर्मन हो गए। अब आते हैं आशा भोसले जी के कैरियर पे, कि आशा भोसले जी को बनाने वाले सिर्फ दो ही म्यूजिक डायरेक्टर थे, एक थे बर्मन दा, एच डी बर्मन साहब, और ओपी नैयर साहब। और अगर जो बर्मन दादा की जो मेन हीरोइन हीरो हीरोइन के गाने हुआ करते थे, वो आपको याद होगा, बर्मन दा की, जिनके बिना वो हर गीत की कल्पना नहीं करते थे, और वो आवाज़ थी गीता दत्त। आप देखिए कि गीता दत्त और बर्मन दा जी के साथ क्या बेहतरीन गाने हैं, और इतने सुपर डुपर, जो सुनहरा दौर था जो गीतों का, जिसमें रफ़ी साहब, सहगल साहब, मुकेश साहब, तो उनमें ये देखिए तलत महमूद साहब, ये देखिए गीता दत्त, सुरैया जी, नूर जहाँ जी, और शमशाद बेगम जी। क्या आप इनकी ये जितने मैंने महान गायिका है, शमशाद जी, नूरजहाँ जी, सुरैया जी, गीता दत्त जी, क्या इनकी कोई आशा भोसले जी की बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती। इनका जो मुकाम था, आप देखिए शमशाद जी को मैं कोई गाना ऐसा कंपेयर नहीं कर पाऊंगा कि जिसमें ये बता पाऊँ कि शमशाद बेगम जी से अच्छा आशा भोसले जी ने गाना गाया। कोई एक गाना मेरी निगाह में है तो मुझे तो नहीं लगता कि आशा भोसले जी, और वो गीता दत्त का भी यही है। गीता दत्त का एक गाना भी अगर आशा भोसले जी सही उनके से अच्छा बेहतर गा देती हैं, मैं और उनको बहुत शुक्रिया, उनको सलाम करूंगा, लेकिन कोई आज तक ऐसा गाना नहीं गा पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी गोल्डन सुनहरे दौर के गीतों की जो परंपरा, जो रफ़ी साहब, सहगल साहब, तलत महमूद साहब, मुकेश साहब, नूर जहाँ, गीता दत्त जी और शमशाद बेगम जी की जो परंपरा रही गीतों की, गोल्डन युग का जो बोलते हैं, वो दौर कभी नहीं आएगा। लेकिन जब से मुझे ऐसा मानना है मेरा,
कि जब से इन दो बहनों को के बारे में, पहले उनके बारे में कुछ बोलने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है, मगर दिल दिल मेरा जो ऐसा मानना है, दिल इनका अच्छा नहीं है। किसी के प्रति जो भाव होना चाहिए, आदर होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से दोनों बहनों में उस चीज़ की कमी है। आवाज़ की मैं तारीफ करूँ कि आवाज़ दोनों की अच्छी है। अब आता हूँ मैं आशा भोसले जी की। तो आशा भोसले जी ने सबसे ज़्यादा रफ़ी साहब के साथ जो ड्यूट का जो परंपरा शुरू की थी, वो की थी ओपन एयर साहब से। और आप ये देखिए, ओपन एयर साहब के जितने ड्यूट आशा भोसले जी के हैं, उनमें मुझे ऐसा कोई नहीं गाना लगा कि जिसमें आशा भोसले जी ने बहुत अच्छा रफ़ी साहब से अच्छे गाने की गाया हुआ ऐसा गाना। तो मैं आपको दो गाने का उदाहरण देना चाहूँगा। कश्मीर की कली में दो गाने हैं, दीवाना हुआ बादल इशारों में दिल लेने वाले, ये दो गाने आप देखें, जब रफ़ी साहब की आवाज़ आती है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जैसे ही आशा भोसले जी की आवाज़ आती है मुझे बड़ा दुख होता है। तो अब आप देखिए कि आशा भोसले जी बेहतर गायिका कैसे हो गए, जब आपको कुछ गैप सा आता है, नज़र आता है कि रफ़ी साहब ही कंटिन्यू गाना चाहिए ये गाने में, हमें ऐसा लगता है। और फिर मैंने क्या किया, वो मैं माफ़ी चाहूँगा आशा भोसले जी, अगर ये उनके फैन को कोई बुरा लगे, मैंने क्या किया, इन दोनों गानों में आशा भोसले जी की आवाज़ काट के वही सुनता हूँ रफ़ी साहब के। और जब रफ़ी साहब की आवाज़ आती है ना, दिल बाग बाग हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब बर्मन दा के साथ जो एक जोड़ी बनी आशा भोसले जी की, क्यों बनी, क्योंकि लता मंगेशकर जी ने कुछ ऐसे शब्द शायर साहब के सामने कहे, शायर साहब के लिए कहे, आर डी बर्मन, ये एस डी बर्मन साहब के गानों के बारे में, मैं उन गानों का जिक्र बाद में करूँगा। तो वो उस वजह से बर्मन दा ने उनको अपनी फिल्मों से आउट कर दिया। आप देखिए, बर्मन दा का एक बहुत लंबी परंपरा रही फिल्मों की, और उसमें लता मंगेशकर नहीं है, उसमें लता जी की जगह उन्होंने आशा भोसले जी को लिया। लेकिन देखिए, आशा भोसले जी तो उनके तो बाहर दोनों हाथों में लड्डू हो गए, कि इधर ओपन एयर भी और बर्मन दा जो लता मंगेशकर जी को गवा रहे थे, और एकदम से वो उनके हाथ, अब सारी फिल्में जो बर्मन दा की वो आशा भोसले जी को मिलने लगी। अब हुआ क्या कि लता जी को लगा इस मेरा कैरियर का क्या होगा। तो आप देखिए, फिर लता जी ने बर्मन दा के कैंप में एंट्री मारी, ये फिल्म थी गाइड और बंदनी, ये दो बर्मन दा की फिल्में थी। और आप देखिए कि बर्मन दा की जो फिल्म थी बंदनी, उसमें सारे गाने आशा जी के थे, एक गाना लता जी का था, उस जिस समय उनका एक कंप्रोमाइज हुआ। और उसके बाद जो नेक्स्ट फिल्म आई थी वो थी गाइड, ये आप गाइड का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, ये गाइड में आप देखें टोटल गानों में कहीं भी आशा भोसले नहीं है। तो आशा भोसले जी को बड़ा वो लगा कि क्यों, मेरा ऐसा मानना है कि आशा भोसले जी को लगा हो कहाँ वो सारे गाने बर्मन दास जी के साथ गा रही थी, और एकदम से वो बिल्कुल ही बाहर हो गई, आउट हो गई। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं उनकी इनसिक्योरिटी रही आशा भोसले जी की, कि वो कहीं उनको डर रहता था कि ओपन एयर साहब कहीं लता जी से प्रभावित होकर कहीं आशा भोसले जी को आउट कर दें और वो लता जी से गाने गवाने लग जाए। तो फिर वो क्या जादू करती थी, ओपन एयर जी के लिए वो हम सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रफ़ी साहब जब गीतों जब भी ओपन एयर साहब की रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो गाना गा के नमस्कार आदाब करके ओपन एयर साहब को चले जाते थे। और बाद में ओपन एयर साहब और आशा भोसले, अरे 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 आपने क्या गाया, आपने क्या गाया, वो उनकी तारीफ ही चलते रहते थे, और रफ़ी साहब अपना रिकॉर्डिंग समाप्त करके निकल जाया करते थे। तो ये एक परंपरा थी। आप देखिए कि किस प्रकार से इन दोनों का एक घालमेल था या षड्यंत्र था। देखिए क्या हुआ कि बर्मन दा के कैंप में जो बर्मन दा एक से एक लाजवाब फिल्में दे रहे थे, तो लता जी को बड़ा लग रहा था कि मेरा तो कैरियर कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि रवि साहब भी उसी दौरान वो भी लता जी से नहीं गवा रहे थे, खयाम साहब तो गवाते नहीं थे, तो वो आशा जी को गवा रहे थे, रवि साहब भी आशा जी को गवा रहे थे, और बर्मन दा तो थे ही, तो उनको लगा कि मेरा कहीं कैरियर ख़त्म ना हो जाए। और वो जब कैरियर
मैं उन्होंने क्या एक जादू किया कि वो बर्मनदास जी एकदम से आशा भोसले जी को आउट किया, लता जी को ले आए। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि जो आशा भोसले जी ने कही है कि मैं रफ़ी साहब से ज़्यादा अच्छा गाती थी और मैं हर कोई मेरे म्यूजिक डायरेक्टर तारीफ किया करता, तो मैं कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास। क्योंकि देखो मैंने आपको ये बताया है कि नूर जहाँ सुरैया, अगर इनका अगर आशा भोसले जी के साथ कंपेयर करेंगे तो बड़ी बेईमानी बात हो जाएगी। अगर शमशाद जी का, नूर जहाँ जी का, सुरैया जी का, गीता दत्त जी का। लेकिन मैं एक जो मेरी हम सब रफ़ी साहब के जो चाहने वाले हैं, आप जानते हैं कि हम लोग किसको अपना लता जी और आशा जी मानते हैं। आपको मैं आज वो बात आपको शेयर कर रहा हूँ, अपने दिल की बात कर रहा हूँ। इसलिए हमारे जो रफ़ी साहब के जितने चाहने वाले हैं, हमारी लता मंगेशकर कौन है जानते हैं? हम सबकी लता मंगेशकर हैं सुमन कल्याणपुर। रफ़ी साहब ने जिन्होंने रफ़ी साहब ने बहुत सी सिंगर को आगे आने का मौका दिया, और एक आशा सुमन कल्याणपुर जी हैं जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ क्या लाजवाब गाने गाए, और रफ़ी साहब को बड़ा मज़ा आता था सुमन जी के साथ गाने। और देखिए ब्रह्मचारी फिल्म का जो उस साल का नंबर 1 गाना था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सुमन जी के साथ था। और जो शम्मी कपूर साहब का गाना जो उस साल का सुपरहिट गाना था राजकुमार फिल्म का, तुमने पुकारा और हम चले आए, सुमन जी का। इसलिए हम रफ़ी साहब के जितने चाहने वाले हैं सुमन जी को बहुत याद करते हैं। अब आपको मैं 70 के दशक का एक रिकॉर्ड दिखाना चाहूँगा, आप इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि कौन अपनी गायकी के बल पे फिल्म को आगे ले जाते हैं और सुपरहिट करार देते हैं। तो मैं एक रिकॉर्ड आपको 70 के दशक का एक दिखाना चाहूँगा, ये है उषा खन्ना जी का, जो हम सबकी बड़ी प्रिय संगीतकार हैं। उनकी एक फिल्म आई थी 70 के दशक में, हवस। आप देख सकते हैं हवस का, हवस के अंदर 4 गाने आशा भोसले जी के थे। आप यकीन करेंगे, आप ये मान के चलिए इसमें रफ़ी साहब का गाना नहीं है। अभी 4 गाने थे और ये सी ग्रेड की फिल्म थी उस दौर में। आप ये देखिए कि इसमें 4 आशा भोसले जी के गाने थे। मैं आशा भोसले जी से पूछना चाहूँगा कि क्या एक भी गाना आपका ऐसा था जो इस फिल्म को आगे ले जाए या बहुत हिट हुआ, कोई एक भी गाना नहीं था आशा भोसले जी का, और सिर्फ जो इस ये फिल्म सुपर डुपर हुई और हम सिर्फ एक गाने की वजह से लोग पब्लिक हम टूट पड़ते थे इस फिल्म को देखने के लिए, वो गाना था मोहम्मद रफ़ी साहब का, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। इतना बेहतरीन रफ़ी साहब ने गाया, और ये एक रफ़ी साहब का गाना था जिसकी वजह से फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, और ये जब भी कहीं सिनेमा हॉल में लगती थी सिर्फ रफ़ी साहब का एक गाना सुनने के लिए हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाया करते थे। और आज भी ये उषा खन्ना जी से आप पूछोगे ना तो उनका सबसे फेवरेट गाना यही है। और रफ़ी साहब का आप देखिए चमत्कार कि ये गाना तेरी गलियों में फिल्म के लिए नॉमिनेट हुआ, लेकिन रफ़ी साहब को नहीं दिया अवार्ड। और बंगाल की एसोसिएशन, जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने रफ़ी साहब के इस गाने को फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया था। क्या क्या जादू है! आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि आशा भोसले जी का एक भी गाना ऐसा नहीं था जो फिल्म को चढ़ा सके। अब मैं आर डी बर्मन साहब का भी, मेरे पास एक रिकॉर्ड है हाथ में, मैं उसका भी उदाहरण दूंगा। ये आर डी बर्मन साहब की जो उनकी प्रिय संगीतकार थे आशा भोसले जी के महान, अब्दुल्ला फिल्म का, अब्दुल्ला फिल्म में भी आशा भोसले जी के गाने थे। आपको शायद किसी को संगीत प्रेमी को आशा भोसले जी का कोई गाना, हिट गाना या अच्छा गाना कोई याद हो, लेकिन जो अब्दुल्ला फिल्म का जो सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म, जो अब्दुल्ला फिल्म जिस गाने के लिए जानी जाती है, वो फिल्म थी, वो गाना था, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं। ये वो गाना था आर डी बर्मन का सबसे प्रिय गाना। और आप कैसे कंपेयर करोगे कि रफ़ी साहब की आवाज़ और आशा भोसले जी की आवाज़ बहुत अच्छी थी। आर डी बर्मन का अगर कमबैक हुआ
आप देखिए कि रफ़ी साहब हम किसी से कम नहीं से, आर डी बर्मन साहब बीच में 70 के दशक में, मिड ऑफ 70 में एकदम से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था, और एक रफ़ी साहब जब इनके कैंप में आए, कम बैक किया हम किसी से कम नहीं के, तो सारे गाने उनके जब तक रफ़ी साहब जीवित रहे आर डी बर्मन साहब के साथ एक से एक बेहतरीन गाने गाए अब्दुल्ला का। अब एक और मैं ओपिनियन साहब का रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। ये है हमसाया फिल्म ओपी नायर साहब की, चूँकि ओपी नायर साहब है तो आशा भोसले जी के गाने होंगे। इसमें आप देखिए रफ़ी साहब के दो बेहतरीन गाने थे, एक ड्यूट था आशा भोसले जी के साथ, एक सोलो गाना रफ़ी साहब का दिल की आवाज भी सुन, और दूसरा गाना था मैंने दिल के टुकड़े चुन कर नया दिल बना लिया है। और ये गाने में मैं अपने बताऊंगा, जब हम स्कूल से जब ये फिल्म देखने जाया करते थे उस दौर में जब ये फिल्म हॉल पे लगी थी, तो आपको जानकर बड़ी वो होगी, ताजुब होगा कि जब ये गाना आता था पर्दे पे या हम ऑडियो कहीं सुनते थे, तो बड़ा मुझे बड़ी पिंच होता था कि ये गाने में आशा भोसले जब आती थी मुझे बड़ा अफसोस होता था। जैसे रफ़ी साहब आते थे गाने में मैंने दिल के टुक, एकदम से हमारे मन में एक एनर्जी सी आ जाती थी रफ़ी साहब। तो आप देख सकते हो कि आपको सुनना इस गाने को, आप लोग आज के बाद ज़रूर सुनना इस गाने को, मुझे मेरा प्यार दे दो। और जब रफ़ी साहब आते हैं ना मैंने दिल के टुकड़े चुन कर, आपको कंपेयर आप कीजिएगा आशा भोसले जी और रफ़ी साहब के। अब एक रिकॉर्ड और है, मैं लास्ट में और कंपेयर करना चाहूँगा, मेरे पास आया ये सावन की घटा का रिकॉर्ड। सावन की घटा में भी आशा भोसले जी, चूँकि ओपी नायर साहब हैं, और इस फिल्म में भी आशा भोसले की जी के 4 गाने थे, लेकिन इस फिल्म का जो सबसे सुपरहिट गाना था, जो मनोज कुमार साहब को भी जो अपना प्रिय गाना लगता है, वो था जुल्फों को हटा ले चेहरे से थोड़ा सा उजाला होने दे। उसका पिक्चराइजेशन इतना बेहतरीन हुआ, और वो गाना रफ़ी साहब का सोलो गाना में जो सबसे बेस्ट गानों में माना जाता है, जो बेस्ट गानों की जो लिस्ट है ना उसमें ये गाना आता है सावन की घटा का, जुल्फों को हटा ले चेहरे से। अब इस आप इन गानों से कैसे कंपेयर करोगे जिसमें बाकी गाने आशा भोसले जी के थे, और कि आप कह सकते हो कि इस गाने से अच्छा आशा भोसले जी ने गाया, तो आप कैसे अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं कि मैंने रफ़ी साहब से अच्छा गाया। तो मैं अगर मेरे कुछ बात गलत निकली होगा मैं माफ़ी चाहूँगा, और चूंकि आशा भोसले जी आप एक उम्र के पड़ाव पर हैं, तो आप देखिए एक चीज़ मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक मैसेज देना चाहूँगा कि रफ़ी साहब को गुजरे 41 साल हो गए हैं, 41 साल हो गए, 41 साल के बाद भी आप देखिए रफ़ी साहब की दुनिया भर में जो रफ़ी साहब के चाहने वालों की संख्या आप YouTube पे देखिए कैसे बढ़ रही है आज भी रफ़ी साहब के गानों की वजह से, और रफ़ी साहब के गानों के लिए लोग ऐसे ऐसे पागल हैं, आपको YouTube पे उनकी व्यूज आप देख के पता चल जाएगा आपको। और आप बाकी सिंगर का आप देखिए कि आप नई जनरेशन आ गई है वो रफ़ी साहब को फॉलो करती है, नए नए जो गायक आ रहे हैं रफ़ी साहब को फॉलो करते हैं, जो भी नए सिंगर आजकल आ रहे हैं तो उनको यही बोला जाता है आप रफ़ी साहब के गाने सुनिए, रफ़ी साहब की तरह गाइए तो आप बनेंगे, और गाते सब लोग। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है आशा भोसले जी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आगे से शायद आप ऐसा कोई वक्तव्य ना दें कि जिससे हम सब रफ़ी साहब के चाहने वालों की भावना को ठेस पहुँचे। नमस्कार, आदाब।